हेलो ऑल ऑफ यू। चलिए आज एक नई एक्ट पढ़ते हैं, विच इज फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट मतलब ये किस पे अप्लाई होगी और किसके लिए बनी है? फैक्ट्री के लिए बनी है। तो ऐसे क्या प्रॉब्लम है फैक्ट्री में कि उसके लिए एक्ट बनानी पड़ रही है? फैक्ट्री क्या है? बहुत वाइड टर्म है, कवर्स ऑल द फैक्ट्रीज। फैक्ट्री मतलब क्या? फैक्ट्री वो जगह जहां कुछ बनता है, जहां कुछ मैन्युफैक्चर होता है, राइट? अब उस जगह पे इतना वास्ट समझ लो आपका परव्यू हो रहा है कि यू नीड टू स्टैब्लिश, यू नीड टू हैव एन एक्ट, हैव अ लेजिस्लेशन फॉर द सेम। व्हाई डू यू थिंक सो? क्यों फैक्ट्रीज एक्ट में ऐसा क्या खास है, या फैक्ट्रीज में ऐसा क्या खास बात है? फैक्ट्रीज में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ लेबर लॉ, राइट? लेबर लॉ है। अब प्रॉब्लम क्या होता है उन वर्कर्स के साथ? दे आर नॉट ट्रीटेड वेल। दे आर नॉट ट्रीटेड वेल इन व्हाट सेंस? जो बॉस है उसने तो अपना एक एसी केबिन बनवा रखा है, हैज एन अटैच्ड वॉशरूम। मैम हम लोग एक्ट की शुरुआत में वॉशरूम्स पे आ गए तो ये एक्ट हमें आगे कहां कहां लेके जाएगी? देखो इस एक्ट में सैनिटेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। सो वी हैव टू रीड एवरीथिंग, ठीक है? क्यों? बिकॉज दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया इन द फैक्ट्रीज। उनको ये नहीं रियलाइज होता है, या जो बिजनेस माइंड एस्टैब्लिशमेंट्स होते हैं ना, दे डोंट एक्चुअली रियलाइज द फैक्ट कि इन वर्कर्स को भी एक नीट एनवायरमेंट, एक गुड वर्किंग कंडीशन की जरूरत है टू वर्क। Whenever we go out for work, supposedly your office isn't nice, it does not give you that positive vibe. आपको बहुत negative feel होता है वहाँ पे, पूरा congested है, मतलब the capacity of people sitting out there is only 50 and the employer has hired 100 persons. तो आप कैसे बैठोगे? एक चेयर पे दो दो लोग बैठोगे? मतलब मैम अगर हम एरिया वाइज बात करें तो बस मेरा इतना ही एरिया बनता, how will I work like this? So I need certain space, right? हम डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्लॉइज दैट वी आर हायरिंग, वी ऑल्सो एकोमोडेट द स्पेस, कि इतनी जगह तो हमें चाहिए होगी। बट फैक्ट्रीज में ऐसा नहीं होता है एंड वर्कर्स हैं, कुछ बोल नहीं सकते, राइट? तो क्या होता है, दीज आर ऑल द निग्लेक्टेड एरियाज, मतलब पुअर वर्किंग कंडीशन, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग। फैक्ट्रीज हैं तो फैक्ट्रीज में मशीन्स भी होंगी। मशीन्स हैं, मशीन की कब से आपने सर्विसिंग नहीं कराई, मशीन्स में ऑयलिंग नहीं हो रही है, किसी का हाथ आ गया मशीन में, किसी का पैर कट गया, नो मेडिकल एड इज अवेलेबल एंड नो रिपेयरिंग एंड ऑल इज अवेलेबल, मतलब ये सारे नेग्लेक्टेड एरियाज होते हैं। सो इसके लिए रेगुलेशन बहुत जरूरी था, बिकॉज जब तक आप रूल्स नहीं बनाते हो ना, तब तक इंडियंस हम काम करते ही नहीं है। जब रूल्स बनेंगे और रूल्स बनेंगे विद पेनाल्टीज, then we actually get to work, even for our own safety, even for our own benefit. तो यहाँ पे तो हमें employer को बोलना है कि आपको employee के लिए काम करना है। आप जिसको wages दे रहे हो, उसको सिर्फ आप wages दे दोगे नहीं चलेगा, कि कम से कम इतनी wages दे दो। आपको उसके conditions, आपको उसकी working conditions का भी ख्याल रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि हम उससे कितना काम करा रहे हैं। The working hours that I'm asking for, isn't it too much? आपको उसकी छुट्टी का भी ध्यान देना पड़ेगा। खुद तो आप पूरे साल में 10 बार हॉलीडेज पे चले जाते हो और वो बेचारा एक बार भी नहीं जा सकता, और अगर वो जाएगा तो उसके सारे आप पैसे काट लोगे। सो देयर हैज टू बी लीव आल्सो, एंड दैट टू लीव विद वेजेस। बहुत ज्यादा हम डिमांड नहीं कर रहे, यू कैन एनीवेज इंक्रीज इट। एक्ट जो भी बोलता है वो बेयर मिनिमम बोलता है कि ये तो आपको करना ही करना पड़ेगा। आप इससे कुछ बेटर कर सकते हो, वेरी गुड। ओके, सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन द फैक्ट्रीज that this particular act wants to have. Is that clear? So, जो working conditions हैं और working hours हैं उनको improve करने के लिए, क्योंकि कोई भी छुट्टी नहीं मिलती, no holidays, no medical leave, no annual leaves, nothing, and एक आप इसमें term पढ़ोगे hazardous working condition, ठीक है? हजार्डस मतलब जो हार्मफुल होती है एक तरीके से, तो वैसी टाइप की वर्किंग कंडीशंस हैं, सैनिटेशन नहीं, फर्स्ट एड नहीं, कोई भी सेफ्टी मेजर्स वगैरह नहीं। तो इन सबको ओवरकम करने के लिए दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स, एंड दो तीन चीजें, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बेसिक्स, दिस पर्टिकुलर एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1st अप्रैल 1949
एक्ट क्या है, 1948 कब आई, 1948 में, हाँ, इट वॉज नोटिफाइड, मतलब वो फोर्स में आई अप्रैल 1949 से. साथ साथ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. ओके, एंड द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू एंश्योर एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, प्रमोट हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. इट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन एंड यंग पर्सन्स. यंग पर्सन्स कौन से होते हैं? इट कैन इंक्लूड चिल्ड्रन ऑल्सो, इट कैन इंक्लूड एडोलेसेंट ऑल्सो एंड ऑफ द पीपल ऑफ यंग एज. ठीक है, एनुअल लीव विद वेजेस एटसेट्रा. जैसे मैंने आपको लीव्स वगैरह के भी बारे में बात की, तो आपको हेल्थ का ध्यान रखना है वर्कर्स की. अब वर्कर्स की हेल्थ कैसे हैम्पर होती है? पुअर सैनिटेशन, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द हेल्थ ऑफ वर्कर्स. इफ यू सपोजिडली यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग एंड द केमिकल्स और द गैसेस दैट इट इज एमिटिंग आउट इज हैजार्डियस या फिर इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ. ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं कि उसको रोक दो, हम बोल रहे हैं उसके लिए आपने एडिक्वेट मेजर्स क्या लिए हुए हैं वो देखो. ठीक है, वो देखो, मतलब उसके लिए सब चीज प्रॉपर होनी चाहिए. इफ द टेम्परेचर इज टू हाई इन द फैक्ट्रीज देन यू ऑल्सो हैव टू सी टू इट कि इसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कोई भी आपके वर्कर्स को, क्योंकि आप तो वहां जाके काम नहीं कर रहे हो, आपके वर्कर्स उस एटमोसफेयर में काम कर रहे हैं. सो एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ वन बाय वन. एकदम जनरल एक्ट है, मैं आपसे पूछूंगी आप खुद बताओगे कि हाँ मैम ऐसा होना चाहिए और वही लिखा हुआ है, नथिंग एट ऑल. ठीक है, बहुत बहुत जनरल एक्ट है और बहुत कनेक्ट कर पाओगे आप इस एक्ट से अगर आप एक फैक्ट्री इमेजिन करो अपने हेड में और सोचने की कोशिश करो. द कंडीशंस आर एक्चुअली इम्प्रूविंग डे बाय डे थैंक्स टू द लॉज एंड थैंक्स टू द अवेयरनेस अमंगस्ट पीपल. एम्प्लॉयर्स आजकल के क्या है, दे वॉन्ट टू गिव गुड वर्किंग कंडीशंस टू द लेबर्स ऑल्सो. एक केस लॉ था रविशंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसमें भी जो कोर्ट है उसने यही हेल्ड किया कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है ना, इट इज अ सोशल लेजिस्लेशन, मतलब इट इज एन एक्ट, इट इज अ लॉ फॉर द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी. वो हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए एक्ट करता है, के लिए प्रोविजंस बनाता है. एंड दिस पर्टिकुलर एक्ट इज मेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स फ्रॉम बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ग्रीडी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स एज आई डिस्कस्ड अर्लियर. ओके, सो इतनी बातें क्लियर हो गई. अब एज ऑलवेज एक्ट के बेसिक्स क्लियर हैं, सर्टेन डेफिनेशंस, बिकॉज ये डेफिनेशंस आप पढ़ोगे तो आपको आगे की चीजें क्लियर होंगी. जब हम डिस्कस करेंगे फैक्ट्री फैक्ट्री फैक्ट्री, मैं बोल रहा हूँ आपको पता ही नहीं कि फैक्ट्री है क्या. ठीक है, तो फैक्ट्री क्या होती है और बहुत सारे टर्म्स हम डिस्कस करते हैं एज सर्टेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम फैक्ट्री की ही डेफिनेशन डिस्कस करेंगे. सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन? फैक्ट्री की. फैक्ट्री Section 2 Clause M defines the term factory as any premises including the precincts thereof. ये क्या होता है? Precincts मतलब क्या होता है? Adjoining area. Adjoining area. मतलब अगर आपकी ये factory है, supposedly this is the factory, यहाँ पे आपका एक main gate है, यहाँ पे building बनी हुई है. ठीक है, whatever your building is. जैसी भी आपकी बिल्डिंग बनी है, ये खिड़की दरवाजे जो भी आप ले लो. ठीक है, नाउ दिस होल एरिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज फैक्ट्री, नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग वेयर इन मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग ऑन, इंक्लूडिंग दीज प्रेसिंक्ट्स, इंक्लूडिंग द एडजॉइनिंग एरियाज. आई होप यू गेट दैट राइट. उसके अलावा क्या है वो देखना. सो फैक्ट्री इंक्लूडिंग प्रेसिंक्ट्स, including precincts, any premises including precincts where manufacturing is going on, where manufacturing is going on or is carried on with aid of power
विदाउट एड ऑफ पावर. Where 20 or more persons are employed. Where 10 or more persons are employed. On any day of preceding 12 months. समझ में आ रहा है? देखो, सबसे पहले अगर कोई हमारे पास आए और हमसे पूछे कि मैम फैक्ट्री क्या है, हम उससे पूछेंगे किस एक्ट के अंदर आप जानना चाहते हो कि फैक्ट्री क्या है. उसने हमसे बोला कि हम जानना चाहते हैं कि फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्री क्या है. क्या मैं कुछ काम कर रही हूं, क्या मैं फैक्ट्री की डेफिनेशन के अंदर आती हूँ, क्या आई हैव टू फॉलो दीज रूल्स. सो वी लास्ट देम, क्या करते हो आप? मेरे पास एक प्रमाइस है, बहुत अच्छी बात है. उसमें क्या करते हो? मैं तो मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, मैं तो कुछ भी बनाती हूँ. फिर उससे हम पूछेंगे कि पावर यूज करके बनाते हो कि बिना पावर यूज किए बनाते हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं यूज करते हो. मैंने कहा मैं तो यूज करती हूँ. तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है. फिर हम उससे क्या पूछेंगे? कितने आदमी थे? हाउ मेनी पीपल हैव यू एम्प्लॉयड? सो उसने हमको बताया कि मेरे पास तो सिर्फ 4 लोग हैं. आई हैव एम्प्लॉयड ओनली 4 पीपल. वो 4 और मैं, हम लोग बैठ के ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. हो सकता है ना ऐसी सिचुएशन, मुझे पापड़ बनाने का मन किया, आई वॉन्ट टू मैन्युफैक्चर पापड़. पापड़ पता है क्या होता है? अच्छा, एनी स्नैक समझ लो. खाखरा सुना है? इट्स अ गुजराती स्नैक, राइट? एनीथिंग एनीथिंग दैट इज नॉट आर कंसर्न कि हम क्या बनाते हैं. आर कंसर्न इज कि हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है? वो हम कैसे बनाते हैं? जस्ट हैव 4 लेडीज अलोंग विद मी एंड वी ऑल सिट टुगेदर एंड वी मेक इट. एम आई वेर एवर आई एम मेकिंग, सपोजिटली इट्स अ स्मॉल रूम दैट आई हैव टेकन एंड आई एम मेकिंग दैट, आई एम मैन्युफैक्चरिंग इट, मैं बना रही हूँ उसको. Whether it is a factory or it is not, where 10 or more persons are employed on any day. अब any day का मतलब क्या है? पूरे साल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 9 लोग थे. पूरे साल मेरे पास कितने थे? सिर्फ 9 लोग थे और 31 दिसंबर को, ठीक है? प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की हम बात कर रहे हैं तो हम प्रीसीडिंग 12 मंथ्स की ही बात करेंगे, ठीक है? यू डोंट गेट इन टू द कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर एंड फाइनेंशियल ईयर. यहाँ पे प्रीसीडिंग 12 मंथ्स देखना. ऑन एनी डेट इफ यू आर इवैल्यूएटिंग द सेम, यू हैव टू सी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स. ओके, सो अगर हम बात करें तो वन फाइन डे या प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन एक पर्सन आया, उसको हमने इंप्लॉय किया और उसके बाद क्या हुआ? वो 10 दिन बाद छोड़ के चला गया. 10 दिन था कि नहीं था? सो ये आ गया 10 और मोर. 10 भी हैं तो भी आप फैक्ट्री कहला जाओगे, तो भी आप फैक्ट्री कहलाओगे, ठीक है? सो ऑन एनी डे, इज दैट क्लियर? इतनी चीजें समझ में आई. नो, ऑर्डिनरली सो कैरीड ऑन. अब कुछ और बातें. मुझे एक बात बताओ. माइंस, अगर हम माइंस की बात करें, माइंस में हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं. वी आर समहाउ मैन्युफैक्चरिंग ओनली, है ना? माइंस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या माइंस पे ये फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाई होगी? होनी चाहिए. अगर लॉजिकली सोचें तो होनी चाहिए, बिकॉज माइंस पर, माइंस क्या है? अपने आप में एक
पूरा का पूरा सेपरेट सिनारियो है विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड और इक्वेटेड विद द फैक्ट्रीज. सो फॉर माइंस वी हैव अ सेपरेट एक्ट दैट इज माइंस एक्ट 1952. इसीलिए क्या हो रहा है यहाँ पे माइंस कवर नहीं होती है. सो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये माइन है और इसमें इतने लोग इंप्लॉयड हैं बट स्टिल दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू, दे हैव टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ माइंस एक्ट 1952 बिकॉज माइंस आर नॉट कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज. माइंस सेपरेट है और उसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन भी है. लाइकवाइज आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन का कोई भी यूनिट है वो कवर्ड नहीं होगा, दैट इज स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड. एंड वन मोर थिंग, रेस्टोरेंट होते हैं, होटल्स होते हैं, कोई भी ईटिंग प्लेस होती है, एक कोई भी फूड जंक्शन है, कुछ भी है, वहां पे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग ईटिंग प्लेस रेस्टोरेंट होटल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईटिंग प्लेस रेस्टोरेंट होटल, मार्क माय वर्ड्स, देयर इज अ डिफरेंस. रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या होता है, खाना बनता है, प्रिपेयर होता है, आपने ऑर्डर किया जाके दो चिकन करी आपको मिलेगा, राइट, दो प्लेट हक्का नूडल्स आपको मिलेगा. व्हाट आर दे डूइंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द सेम फॉर यू, राइट, आरंट दे डूइंग सो. तो वो क्या हो गई, फैक्ट्री नहीं हुई क्या, फैक्ट्री हुई कि नहीं हुई. देखो अब अगर लॉजिकली सोचो तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट अगर हम टेक्निकली जाएं तो दिस पर्टिकुलर एक्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स द होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड ईटिंग प्लेस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज. तो फैक्ट्रीज में क्या कवर हुआ, ये कवर हुआ. एंड व्हाट इट एक्सक्लूड्स, फैक्ट्री में क्या कवर नहीं हुआ, आर्म्ड फोर्सेस वाला, उसके बाद होटल्स वाला, रेस्टोरेंट्स वाला और माइंस, जिसके लिए क्या है, एक सेपरेट एक्ट है. सो इतनी चीजें क्लियर है. अब बिफोर वी गो ऑन टू फर्दर एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्रीज, अभी फैक्ट्रीज की डेफिनेशन हमारी खत्म नहीं हुई है, अभी फैक्ट्रीज की डेफिनेशन हमको और पढ़नी है, पर उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है. व्हाट डज दिस पर्टिकुलर टर्म मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस इज सेपरेटली डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज के. सेक्शन 2 क्लॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एज एनी प्रोसेस मेकिंग ऑल्टरिंग, जस्ट अ सेकेंड, मेकिंग altering, repairing, ornamenting, finishing, packing, oiling, washing, cleaning, breaking up, demolishing or otherwise treating or adapting any article or substance with a view to its use, sale, transport, delivery or disposal. Dekho zara kitni wide definition ho gayi manufacturing ki. What does this mean? Supposedly we are packing something, hum yahan pe sirf पैकिंग कर रहे हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा. क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा. अगर हम यहां पे सिर्फ ऑल्टर करते हैं या रिपेयर्स के लिए आता है हमारे पास और हम सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग कर रहे हैं, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगा, कहलाएगा. सो मैन्युफैक्चरिंग एज एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, आप बना रहे हो, आप किसी चीज को ऑल्टर कर रहे हो, आप किसी भी चीज को ऑल्टर कर रहे हो, आप किसी चीज को रिपेयर कर रहे हो, ऑर्नामेंटिंग, आई होप यू नो, गोल्ड से हम क्या कर रहे हैं, मान लो ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, सिल्वर से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, फिनिश कर रहे हो किसी भी चीज को, फिनिशिंग होती है वहां पे, पैकिंग होती है, ऑयलिंग हो रही है, वॉशिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड हो गई है. ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड हो गई. इसके अलावा वॉटर, सीवेज या ऑयल को पंप करना, अब ये कहां हो रहा है, कहीं पे भी हो सकता है. सो वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पे ये पंपिंग हो रही है वो भी फैक्ट्री है, वो भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है. और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जिस प्रिमाइसेस में होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट्री. मान लीजिए रेलवे की कंस्ट्रक्शन लाइन बिछ रही है, रेलवे की क्या हो रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन बिछ रही है. अब रेलवे का आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ट्रैक्स, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है,
और अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो क्या वो फैक्ट्री बन जाएगा? सोचो। यस, बट अगेन देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस इंक्लूडिंग प्रेजेंस देयर ऑफ। अब वो क्या है? ओपन है, वी डोंट हैव एनी प्रिमाइसिस, ठीक है, तो वो ओपन है, तो आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी, आपको सुविधाएं देनी पड़ेगी, पर ऐसे नहीं, ठीक है, कि इट हैज टू बी विद इन, हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, उसको पहुंचाना, एवरीथिंग दैट इज ऑल्सो वॉट मैन्युफैक्चरिंग। आप प्रिंटिंग कर रहे हो, लिथोग्राफी, फोटोग्राफ या कोई भी सिमिलर प्रोसेस या बुक बाइंडिंग, ये सारी चीजें, जैसे पब्लिकेशन हाउस होता है, बहुत सारी इस टाइप की चीजें करता है, तो वो वहां उसको भी हम क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। शिप्स या वेसल्स को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, कोई भी चीजें कर रहे हो, वो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इफ यू आर प्रिजर्विंग और स्टोरिंग एनी आर्टिकल इन द कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना जिसको हम कोल्ड स्टोरेज में ही रखते हैं, तो वो भी प्रिजर्व करना या स्टोर करना, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इतनी चीजें मैन्युफैक्चरिंग में कवर्ड होती हैं। देखो, अगर बात करें, जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग में एक कोई नया प्रोडक्ट निकल के आए। मैन्युफैक्चर का मतलब हम क्या समझते हैं? कि ये बन रहा है, यार यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो कुछ बन ही नहीं रहा, जैसे पैक हो रहा है आइटम्स। सो फिर भी हम उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बोलेंगे। तो इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, काजल नरूल हसन हमीद हुसैन पेट्रोल पंप वर्सेस डिप्यूटी डायरेक्टर ईएसआईसी, राइट। इसमें क्या हुआ? इसमें यही बाहर आया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज नॉट कोरिलेटेड विद एनी एंड प्रोडक्ट। जरूरी नहीं है उसमें कोई एंड प्रोडक्ट बाहर आए विच इज मैन्युफैक्चर्ड, उसमें रिपेयर, फिनिशिंग, ऑयलिंग, ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती हैं। अगर आप ये भी कहीं फैक्ट्री में कर रहे हो, ये भी किसी प्रमाइसिस में कर रहे हो, तो वहां पे हम बोलेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरीड ऑन एंड ये फैक्ट्री है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्यों? क्योंकि हम वर्कर्स की हाइजीन के लिए बात कर रहे हैं, हम वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बात कर रहे हैं, हम वर्कर्स की हेल्थ के लिए बात कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए बात कर रहे हैं। सो कोई भी प्रिमाइसिस में अगर ये काम भी हो रहा है, आप बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट निकल रहा है, अरे आप पैक कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, वो भी क्या हो गया? मैन्युफैक्चरिंग ही तो हो गई, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि उस प्लेस को हम फैक्ट्री बोलेंगे जहां मैन्युफैक्चरिंग हो, और उनके लिए हमने रूल्स बनाए हैं। सो अंडरस्टैंड द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर्स, ठीक है। तो इसलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग में ये सारी चीजें क्या कर ली? इंक्लूड कर ली। तो मैन्युफैक्चरिंग को हमें बहुत ब्रॉड सेंस में समझना है, नॉट इन द नैरो सेंस कि आप बस ये मैन्युफैक्चरिंग है, कि कुछ बन के निकला तो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ बन के नहीं निकला तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। सो अगर मैं बात करूं आपसे, एक बात बताओ मुझे, लॉन्ड्री एक जगह है जहां कपड़े आते हैं, धुलते हैं और प्रेस होके बाहर निकलते हैं, क्या है वो? क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है? बिल्कुल है, इट इज मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, अगर मान लो कहीं ट्रीज कट होती हैं और उससे प्लांट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, बिल्कुल है। जैसे मैंने आपसे पूछा कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, क्या मैन्युफैक्चरिंग है? बिल्कुल है। सो आई होप द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज क्लियर टू यू। कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, कमिंग बैक टू आवर डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, द मोबाइल यूनिट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, देन माइंस एंड देन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, दे आर नॉट कवर्ड अंडर फैक्ट्रीज। तो मतलब फैक्ट्री ये नहीं कहलाएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फैक्ट्री क्या क्या कहलाएगा वो हमने यहाँ पे देख लिया है। नहीं, पूरी रेलवे लाइन वो पूरी फैक्ट्री कहलाएगी, लेंथ ऑफ लाइन ऑफ रेलवे लाइन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सीजनल इंडस्ट्रीज हैं या द कंपनीज आर एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, तो वो फैक्ट्री कहलाएगी। द सीजनल इंडस्ट्रीज कुछ सीजन में ही काम कर रही हैं, तो वो भी फैक्ट्रीज कहलाएंगी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। सो आई होप ये क्लियर है कि फैक्ट्री क्या होती है और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। द
The mere fact that an electronic data processing unit or a computer unit is installed in any premises shall not be construed to make it a factory if no manufacturing process is being carried on. कहीं पे भी आपने कोई कंप्यूटर यूनिट लगा दी या ईडी है, आजकल तो ईडीपी चलता ही है, तो उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि हम उसको फैक्ट्री बोल देंगे. फैक्ट्री तभी कहलाएगी जब वहां कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलेगा. ओके नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बनाती है रिलेटिंग टू अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, एंड नो फैक्ट्री कैन रन विदाउट सच लाइसेंस और अप्रूवल. मतलब सी इफ यू आर अ वेरी स्मॉल मैन्युफैक्चरर, मतलब आप इससे कम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो, डोंट हैव इससे ज्यादा पीपल एम्प्लॉयड, नो प्रॉब्लम, ठीक है. बट अगर आपके इससे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं एंड यू कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ फैक्ट्री, देन यू नीड टू ऑब्टेन अप्रूवल. आप बिना अप्रूवल के फैक्ट्री नहीं चला सकते हो. चेकिंग होती रहती है. आप देखोगे कई लोग घर में, छोटे छोटे घर में क्या करते हैं, 20-25 लोगों को लगा के काम करा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इलीगल हो रही है, ठीक है. सो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. देयर हैज टू बी, इट हैज टू बी इन कमर्शियल एरिया, कहाँ होनी चाहिए. ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में आप कहीं मशीन, हेवी मशीनरी नहीं यूज कर सकते. तो बहुत सारे क्या है रिस्ट्रिक्शंस है. सो यू नीड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. सो आई होप दिस इज क्लियर. फैक्ट्री क्लियर है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्लियर है. इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस, सर्टेन अदर डेफिनेशंस. सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सन. कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है और उसका काम क्या होता है? कॉम्पिटेंट पर्सन, चीफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर्स, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सब के सब अथॉरिटीज हैं. अभी आपको मैं इंस्पेक्टर भी बताऊंगी. आगे हम पढ़ेंगे कि इंस्पेक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, देन यू हैव द कॉम्पिटेंट पर्सन ऑल्सो. ये लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, टू लुक आफ्टर. कॉम्पिटेंट पर्सन, somebody who is competent to do so, right? तो नाम से हमें समझ में आ रहा है जिसके पास वो कॉम्पिटेंसी है. अब किसके पास वो कॉम्पिटेंसी है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं. सेक्शन 2 सी ए. कॉम्पिटेंट पर्सन मीन्स अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन. एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने रिकॉग्नाइज किया हो फॉर कैरिंग आउट टेस्ट एग्जामिनेशंस एंड इंस्पेक्शंस रिक्वायर्ड टू बी डन इन अ फैक्ट्री, हैविंग रिगार्ड टू द क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट हिज डिस्पोजल. आपने देखा होगा कभी भी एक छोटा सा स्कूल भी खुलता है ना, सो क्या करते हैं, बोर्ड के लोग आते हैं, गवर्नमेंट के लोग आते हैं और उसको इंस्पेक्ट करते हैं. दे सी एवरीथिंग. क्या देखते हैं? एरिया कितना है, ठीक है, सैनिटेशन कैसा है, ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल और नॉट, ये जो टीचर्स हैं वो कितने क्वालिफाइड हैं, एवरीथिंग दे लुक, है ना, देखते हैं और उसके बाद अप्रूवल ग्रांट करते हैं. तो लाइकवाइज द सेम इज गोइंग टू हैपन फॉर फैक्ट्रीज ऑल्सो. और उसके लिए कौन है? कुछ कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं. कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं जिसको चीफ इंस्पेक्टर ने अपॉइंट किया है. क्यों अपॉइंट किया है? कि आप एग्जामिन करो, टेस्ट लो, इंस्पेक्शन करो कि जो फैसिलिटीज अवेलेबल है वो ठीक है कि नहीं है, जो लोग हैं वो ठीक है कि नहीं है, जिन लोगों को आपने इंप्लॉय किया है, ठीक है, वो लोग ठीक है कि नहीं है, मतलब आधे क्वालिफाइड, आधे एक्सपीरियंस्ड, एंड उनको जो फैसिलिटीज मिल रही है अवेलेबल वो ठीक है कि नहीं है. अब एक पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन भी अपॉइंट हो सकता है. सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बट यू शुड नो व्हाट कॉम्पिटेंट पर्सन इज. नेक्स्ट इज हजार्डस प्रोसेस. हजार्डस प्रोसेस, हजार्डस क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ना, हार्मफुल, राइट? आप बोल सकते हो हार्मफुल, रिस्की, डेंजरस, राइट? जैसे अगर बहुत हैवी मशीनरीज है या आपकी मशीनरी इतनी फास्ट चलती है, यू हैव टू जस्ट पुट द पैकेट्स इनटू द मशीनरी, बट कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका हाथ उसमें आ सकता है. सो व्हाट इज दैट? इट इज अ हजार्डस वर्किंग कंडीशंस. तो ऐसी हजार्डस वर्किंग कंडीशंस में आप कैसे काम करोगे? करना तो है, काम तो करना है, राइट? हम काम के खिलाफ नहीं है. वी वॉन्ट द इंडस्ट्री टू ग्रो, बट वी डोंट वॉन्ट एनी वन टू सफर, ठीक है. मतलब वो जो स्पेसिफिकली ऊपर हमने पढ़ा था ना, ग्रीडी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स वैसे नहीं होने चाहिए. यू हैव टू बी, यू हैव टू थिंक अबाउट द वर्कर्स टू.
So hazardous process is any process or activity in relation to an industry specified in the first schedule. Any process or activity in specified in the first schedule. तो first schedule में जितनी भी process या activity है उसको हम क्या बोलेंगे? Hazardous process है. Where unless special care is taken, raw materials or intermediate or finished goods, byproducts, waste or effluents would cause material impairment to the health of the persons or result in the pollution of general environment. What does it mean? मेरी एक industry है, मेरी एक factory है. अब वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? जो आपके रॉ मटेरियल्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स दे गेट इनटू द प्रोसेस और उसके बाद वो जब WIP बन के तैयार होते हैं तो उसके साथ साथ कुछ वेस्ट डिस्कार्ड होता है, मतलब वेस्ट निकलता है. ये प्रोडक्ट आपका WIP में चला गया और ये कुछ वेस्ट निकला. ये जो वेस्ट जनरेट होता है ये क्या है? इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल. इट इज हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल, वहां के वर्कर्स के लिए भी. और अगर इसको आप बाहर जाके डिस्पोज ऑफ ऐसे ही कर दोगे तो वो भी आसपास के नेबरिंग एरियाज के लोगों के हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है. तो इसको क्या किया गया? शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया और हमें बोला गया कि ये हजार्डस प्रोसेस है. हम क्यों ये पढ़ रहे हैं कि हजार्डस प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि आगे एक्ट में जब हम पढ़ेंगे कि हाँ अगर हजार्डस प्रोसेस है तो आपको क्या सेफगार्ड्स लेने हैं वो हमें समझ में आएगा. सो फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट हजार्डस प्रोसेस इज. समथिंग व्हिच इज रिस्की, समथिंग व्हिच इज डेंजरस, समथिंग व्हिच इज हार्मफुल. अब ये जो डिस्कार्ड हुआ, ये जो वेस्ट, या आप बोलते हो बाय प्रोडक्ट नहीं, हम बोलेंगे वेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे, तो ये जो निकला इसको भी आपको प्रॉपर केयर लेनी होगी. क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके जो वर्कर्स हैं उसमें से किसी ने छू दिया, उनको क्या हो सकता है? कुछ स्किन डिजीज होता है, सपोजली, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. ठीक है, उनको क्या हो गई? कुछ स्किन डिजीज हो गई. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रोवाइड द एडिक्वेट ग्लव्स, यू प्रोवाइड, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, है ना. और इन्फॉर्म किया जाना चाहिए लोगों को कि ये है, ये चीजें हार्मफुल हो सकती हैं. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हजार्डस प्रोसेस. नेक्स्ट इज वर्कर. वर्कर कौन होता है? वर्कर जो आपने एम्प्लॉय किया हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी एजेंसी के थ्रू, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को नॉलेज हो या ना हो, एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, whether for remuneration or not, whether for remuneration or not, मतलब जरूरी नहीं है कि आपने उसको remuneration के लिए ही रखा हो, जरूरी नहीं है. वो आपका बिना remuneration के भी हो सकता है, or in cleaning any part of the machinery, आप उसको manufacturing में involve कर रहे हो, या कई लोग होते हैं, they are not workers, मतलब वो manufacturing में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो साफ सफाई कर रहे हैं. सो क्लीनिंग में भी इन्वॉल्व कर रहे हो, वो भी आपका वर्कर कहलाएगा क्योंकि उसी प्रमाइसिस में वो काम कर रहा है. ठीक है, और वो मशीनरी क्लीन कर रहा है जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर रहे हो, तो वो जो क्लीनर है ना वो भी आपका वर्कर कहलाएगा. ओके, सो बट इट विल नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूनियन, सो दे हैव एन एग्जेम्पशन एवरीवेयर. एक केस लॉ है लाल मोहम्मद वर्सेस इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. यहां पे हेल्ड हुआ था दैट ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड बाय अ कंस्ट्रक्शन कंपनी वुड स्क्वेयरली अट्रैक्ट द डेफिनेशन ऑफ द टर्म वर्कमैन एज फाउंड इन द एक्ट, एज दे आर वर्किंग फॉर रेम्यूनरेशन इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैरीड ऑन आउट बाय द प्रोजेक्ट. जस्ट अ जनरल थिंग, जितने भी लोग काम कर रहे थे सबके सबको हम वर्कमैन मानेंगे. नेक्स्ट इज ऑक्यूपायर. नेक्स्ट इज ऑक्यूपायर. ये आपने टर्म आई डोंट थिंक कभी सुना होगा,